Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture, I'm going to describe chapter number 1, class 10th, Geography, Resources and Development. Previous video के अंदर हमने soil as resource cover किया था और उसके अंदर हमने एक question छोड़ा था कि classification of soil, वो किस base पे उसके texture, उसकी thickness, उसकी chemical and physical properties के behalf पे. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल. और इसके अंदर फर्स्ट टाइप जो सोयल है वो है अलूवियल सोयल. कौन सी सोयल? अलूवियल सोयल, इसे जलोड मृदा भी बोलते हैं. अब सबसे पहले इसके अंदर आता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. देखिए, ये अलूवियल सोयल जो है ऑलमोस्ट जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है जिसमें प्लेन्स आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे बोला जाता है, ये यहाँ से अगर आप लेके चलते हैं, अगर कवर करते हैं आप इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को, तो ये यहाँ से सारा नॉर्दर्न एरिया किससे बना हुआ है? आपका अलूवियल सोयल से बना हुआ है. अब इसकी फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है? जो नॉर्दर्न प्लेन अलूवियल सोयल से बनता है, तो इसकी फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ होता है रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स. हम जानते हैं कि हिमालय माउंटेन से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, लाइक गंगा, गंगा, इंडस, यमुना, ये सब कहाँ से निकल कर आती है? By the melting down of snow from the Himalaya mountain. और जब वो बहकर आती हैं, तो जो rocks होती हैं, उनकी वो weathering करती हैं, उनका कटाव सटाव करती हैं, अपरदन करती हैं, और अपने साथ silt को बहाकर लेकर आती हैं. Means वो particles जो पानी के गिरने से चट्टानों के टूटते हैं, उस sediments या silt आप उसको कह सकते हैं, उनको अपने साथ बहाकर लेकर आती है. ठीक है, तो यहाँ पे हिमालयंस, यहाँ पे हमारा आ जाता है पंचकुला का एरिया लगाइए और चंडीगढ़ का एरिया, यहाँ पे इसको फुट हिल्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फुट हिल्स. फुट हिल्स मीन्स किसी भी माउंटेनी एरिया का जो बेस होता है, लाइक हमारे फुट होते हैं फ्लैट आ जाता है, तो यहाँ तक ये माउंटेन एरिया होता है, यहाँ फ्लैट आ जाता है. तो जब ऊपरी एरिया से नदियां बहकर आती हैं और वो जो सिल्ट लेकर आती हैं, उसको वहां यहाँ वो डिपोजिट करना शुरू कर देती हैं, और यहाँ जो डिपोजिशन होता है वो मोटे कंकड़ों का होता है. ठीक है, मोटे जो लाइक पार्टिकल्स होते हैं, आप स्टोन पार्टिकल्स टाइप में इतना उतना बड़े, तो वो यहाँ सेडिमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फ्लो करते करते पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, यहाँ पे वो महीन सिल्ट, महीन सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती चली जाती है. तो इस प्रकार जो हिमालय से रिवर्स निकलती हैं, वो अपने सेडिमेंट्स के डिपोजिट के थ्रू उन्होंने क्या किया है, नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया है. सो दिस इज द रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अलूवियल सोयल. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेनली जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, वो किससे बना हुआ है? अलूवियल सोयल से बना हुआ है. फॉर्मेशन कैसे कि वो आती है, सेडिमेंट डिपोजिट करती है यहाँ फुट हिल्स में, इसको तराई भी बोलते हैं. फुट हिल को क्या बोलते हैं? तराई. तो यहाँ पे वो डिपोजिशन करती है. ठीक है, उसके बाद ये किसके द्वारा बनाई जाती है? रोल ऑफ डेल्टास. डेल्टास आपको पता है कि जब रिवर्स माउंटेन से निकलकर और किसी भी बड़ी वाटर बॉडी में गिरती हैं, तो वो गिरने से पहले उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो सेडिमेंट उनके साथ वो बहाकर लाती है, उसका वो डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है. तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं वेस्ट बंगाल साइड की, तो यहाँ पे बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, तो वो इस तरीके से स्पीड स्लो होने की वजह से अलग अलग पार्ट में क्या होने लग जाती हैं, वो डिवाइड होने लग जाती हैं, और इन एरियाज में वो क्या करती हैं, अपना सिल्ट डिपॉजिट करती हैं, जिससे एक ट्रायंगुलर शेप में, कैसी शेप बनी है? ट्रायंगुलर शेप में लैंडफॉर्म बनकर आती है, जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेल्टा. तो ये डेल्टाज फॉर्म करती है, और इन डेल्टाज में क्या होता है? अलूवियल सोयल होती है. ठीक है, अब यहां से सेंट्रल ही एरिया जो होता है, सेंट्रल हाईलैंड भी से बोला जाता है. क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड से रिवर निकल कर जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स निकल के आपकी जाती हैं, और ये रिवर्स भी, मान लो एक रिवर का एग्जांपल देती हूँ मैं, महानदी आ रही है लाइक, तो वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले क्या करेगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और वो क्या करने लग जाती है, अपने सेडिमेंट्स का डिपॉजिट करने लग जाती है. तो वो क्या करती है? डेल्टा फॉर्म करती है, और डेल्टा में कैसे सोयल आपको मिलेगी? अलूवियल सोयल मिलेगी. तो सेम ये यहाँ पर कौन सी रिवर्स?
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी गोदावरी और महानदी, ये क्या करती हैं? वे बंगाल में गिरने से पहले डेल्टास का फॉर्म करती है, इसलिए जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, कौन सा कोस्टल एरिया है, ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, इस एरिया के अंदर भी हमें क्या मिलती है, अलूवियल सोयल मिलती है। किसकी वजह से? कृष्णा कावेरी गोदावरी और महानदी की वजह से वे बंगाल में गिरने से पहले जो डेल्टास फॉर्म करते हैं, उन डेल्टास की वजह से हमें क्या मिलता है, अलूवियल सोयल कोस्टल प्लेन्स के अंदर मेनली मिलती है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर हमें मिलती है। तो ये तो हो गया कि फॉर्मेशन कैसे होती है, हिमालयन रिवर्स के थ्रू होती है, नॉर्दर्न प्लेन हिमालयन रिवर्स के थ्रू बनाया जाता है, और रोल ऑफ डेल्टास, तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो डेल्टास के थ्रू बना हुआ है, कौन सी, कृष्णा कावेरी गोदावरी और महानदी बनाती है। अब नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर है इसकी, तो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया कि अलूवियल सोयल नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज के अंदर मिलती है। अब पिडमोंट प्लेन्स, पिडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया कि जब नदियां फुट हिल्स में आती हैं तो वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती हैं। उस डिपोजिशन के बेस पर कि कहाँ मोटे पत्थर हैं, थोड़ा महीन सिल्ट है, फिर उससे महीन सिल्ट है, उसके आधार पर रीजनली इनको नाम दिया गया है अलग अलग जगह के तौर पर। तो यहाँ पर जो होता है इसको दुरास बोलते हैं मेनली, और उसके बाद यह जो नेपाल के आसपास का, बिहार के आसपास का एरिया आता है, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की वजह से इसको चौस बोलते हैं, और ये जो बिल्कुल फुट हिल्स में होता है इसको क्या बोला जाता है, तराई बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हो गए कि रीजनल एरियाज के अकॉर्डिंग, रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये पिडमोंट प्लेन्स क्यों बोले गए हैं, पिडमोंट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर की जो इटली थी, इटली के अंदर पिडमोंट एक एरिया था, उसका नाम था, उसके बिहाफ पे मिला जुला होता है, तो इसको इस तरीके से पिडमोंट एरिया का नाम दिया गया है। अब वो क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज, अब ये तो इसका बताया कि अलूवियल सोयल की फॉर्मेशन किस बेस पे बताएंगे, उसके डिपोजिशन के बेस पे, कि वो जब स्लोप से नीचे आती है और डिविजन करती है स्लोप का, तो सबसे पहले मोटे पत्थरों को, छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को डिपोजिट करना स्टार्ट करती है हिमालयन रिवर, और फिर धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देती हैं, बारीक सिल्ट को डिपोजिट करती चली जाती है, और लास्ट में कहाँ गिर जाती हैं, वाटर बॉडीज में जाके गिर जाती हैं। अब एज के आधार पर भी सोयल्स का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि बहुत पुरानी सोयल है, मिट्टी है, या नई बनी हुई मिट्टी है। अब देखिये नदियां क्या है, हमेशा इक्वल नहीं रहती है, ये हमेशा अपना चेंज रास्ता चेंज करती रहती है। ठीक है, तो पहले नदी तो देखो यहाँ पंजाब हरियाणा के नीचे दिल्ली तक के एरिया में ऐसे बहती थी, लेकिन आजकल उनके अंदर पानी की अमाउंट क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो उस बेस पे अभी सिकुड़ के क्या हो गई, यहाँ तक रह गई है, तो यहाँ पे भी उन्होंने डिपोजिशन किया और यहाँ पे भी किया हुआ, तो जो पहले का डिपोजिशन है वो कहलाता है हमारा, पुराना जो होता है वो हमारा कहलाता है बांगर, और जो नई मिट्टी होती है जैसे बारिश के पानी में वो थोड़ा फैल जाती है, बाढ़ आ जाती है, और जिन एरियाज में बाढ़ आती है जहां तक उसका फैलाव होता है नदी का, वापस पानी सिमटते वहां पे वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर देती है, सिल्ट का डिपोजिशन, क्ले का कर देती है, तो वो मिट्टी हमेशा नई बनती रहती है उसके बाउंड्रीज के आसपास, रिवर बेड भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिवर बेड। तो रिवर बेड के आसपास जो नदी बनती है वो खादर कहलाती है, और वो हमेशा क्या होती है, रिन्यू होती रहती है हर साल बारिश के मौसम में, बढ़ने के पानी की अमाउंट बढ़ने के साथ रिवर अपने जब बॉर्डर्स से ओवर फ्लो हो जाती है, उसकी वजह से ये हमेशा रिन्यू होती रहती है। ये खादर है, इस ये न्यू है अकॉर्डिंग टू एज, और बांगर पुरानी होती है कि पहले जहां नदियां बहती थी और वहां जो डिपोजिशन किया है वो बांगर कहलाता। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है खादर के अंदर, खादर के अंदर जो है महीन कण होते हैं हमेशा, बारीक सिल्ट होती है, और बांगर के अंदर थोड़ा मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा फर्टाइल है, मोर फर्टाइल, और खादर बांगर जो है वो लेस फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़े से कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। अगर वैसे आपको नाम याद नहीं रहता तो आप जैसे बांगर नाम है इसका,
और जो घर में पुरानी चीजें होती है उनको भंगार बोला जाता है। तो इस चीज से आप रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि भंगार बहुत पुराना होता है, तो जो बांगर मृदा है वो पुरानी है, बांगर सोयल पुरानी है और खादर नई है। ये आपके लिए क्या रहेगा, लर्न करने के लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन रेज होता है कि खादर और बांगर में डिफ्रेंशिएट कीजिए या फीचर्स बताइए खादर और बांगर के अलग अलग, तो आप बता सकते हैं खादर इज रिन्यूएबल, दिस इज द न्यू सोयल टाइप एंड दिस इज द ओल्ड सोयल टाइप, दिस हैज स्मॉल पार्टिकल्स और क्लेस टेक्सचर एंड दिस हैज द वी कैन से स्टोन पार्टिकल्स ऑल्सो, तो ये इसके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। दिस इज लेस फर्टाइल एंड दिस इज मोर फर्टाइल, 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन हमेशा ये आता है। 5 मार्क्स में आता है डिस्क्राइब अलुवियल सोयल, अलुवियल सोयल को डिस्क्राइब कीजिए। इस चैप्टर में से मेनली यही क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल की आपको क्लासिफिकेशन देनी है, सॉरी फीचर्स बताने आएंगे, किस तरह की क्रॉप्स उसमें ग्रो हो सकती हैं, उसका केमिकल फिजिकल टेक्सचर कैसा है, ये सब चीजें आपको बतानी आती है। 5 मार्क्स में मेनली क्वेश्चन इसमें से आता है इन सोयल टाइप्स पे। तो फर्स्ट सोयल टाइप हम यहाँ पे अलुवियल सोयल कवर कर रहे हैं। फॉर्मेशन हमने कवर कर लिया, लोकेशन कवर कर लिया, एज के बिहाफ पे कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, दैट इज खादर एंड बांगर। अब कंटेंट इस ये किस चीज, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, किन तत्वों से ये मिलकर बनी होती है जो इसको मोर फर्टाइल बनाते हैं, सबसे ज्यादा फर्टाइल सोयल इसको माना जाता है। तो पोटाश होता है इसके अंदर, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है इसके अंदर। ये नेचुरली ये कंटेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। किस तरह की क्रॉप्स के लिए ये बेस्ट होती है, शुगर केन के लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, पैडी के लिए, व्हीट के लिए, सीरियल्स के लिए और पल्सेस के लिए। सीरियल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ जो व्हीट मोटा जो अनाज होता है लाइक बाजरा हो गया, ज्वार हो गए, इस तरह की चीजें। और पल्सेस आपको आपको पता ही है डिफरेंट टाइप ऑफ दाल जिसको आप बोल सकते हैं होती है। तो इन जो है क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए ये बेस्ट होती है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सोयल होती है और मेनली ये नॉर्दर्न प्लेन के अंदर पाई जाती है, तो 2 फीचर्स ऐड होने की वजह से ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सोयल होती है। इसके अंदर थिकनेस ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है, डेंसिटी भी, घनत्व जिसको आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन का, वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना इसके ऊपर क्या होता है, बहुत इजी होता है। तो पॉपुलेशन होती है इसके ऊपर डेंसली पॉपुलेटेड होता है ये, और कल्टीवेटेड की जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं, महीन होते हैं, स्मॉल होते हैं, रिच होते हैं पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, और ये सारी क्रॉप्स उसके अंदर बेस्ट वे में ग्रो की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये सोयल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया का ये कवर करती है। अलग अलग जगहों पर इसके क्या नाम दिए गए हैं, जैसे तराई, द्रोस, कोस, ये नाम इसके अलग अलग होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आपका ये एक्सप्लेनेशन अलुवियल सोयल की कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ब्लैक सोयल कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो इफ यू लाइक। थैंक यू।